वेलकम बैक, वेलकम जी। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा, कैडबरी मोरो T20 वर्ल्ड कप हंगामा प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क शाइन, ब्रॉट टू यू बाय zameen.com, हर पता हमें पता है, पावर्ड बाय डॉलिंस, रिफ्रेश बाय स्प्राइट एंड आवर कूलिंग पार्टनर इस पेल। हम प्रोग्राम से पहले ही क्रिकेट की बातें शुरू कर देते हैं तो लगता है कि शायद हम ब्रेक पे गए थे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है टू फॉर्मर स्किपर्स इंजमामुल हक एंड सलीम मलिक साहब ने, एंड इट्स मेडन सेमीफाइनल फॉर टीम अफगानिस्तान। बहुत ही खुश होंगे अफगानिस्तान के फैन और टीम भी बहुत खुश है क्योंकि पहली दफा अफगानिस्तान ने किसी भी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया है। इस मैच को अगर आप देखें ना तो इसमें पूरा मौका मिला था बांग्लादेश को, पूरा मौका मिला था कि इस सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर जाए, और मेरे ख्याल इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उन्होंने मिस की है। उन्होंने देखें 115 मेरा ख्याल है कि ये चेजेबल स्कोर था, और असल में हुआ क्या कि 11.1 ओवर में उन्होंने ना ये स्कोर करना था 115, बीच में बारिशें भी आती रही, बहुत कुछ मेरा ख्याल जो गलती हुई ना, इन्होंने बहुत जल्दी चेज करने की कोशिश शुरू, लाजमी बात है जी 11 ओवरों में 10 की एवरेज अफगानिस्तान के खिलाफ करना एक मुश्किल काम था, आसान नहीं था। मगर जो हुआ उनकी ना, पहले 44 पे उनके 4 आउट हो गए थे, उसके बाद उन्होंने बड़ी कोशिश की के बीच में वो उसको ले के चले, फिर एक टाइम आया, मैंने थोड़ा सा मैच इनकी सेकंड इनिंग देखी, पहली इनिंग मैं देख नहीं सका, उसमें इन्होंने ना जो सबसे बड़ी अच्छा अगर ये मैच जीतना चाहते ना 115 तो ये बड़े आराम से मैच जीत सकते थे, चूँकि वो अपनी भी कोशिश कर रहे थे कि हम किसी तरह क्वालिफाई करें, तो वो क्वालिफाई करने के चक्करों में ना वो उनकी विकटें गिरती गई, 7 आउट हुए इनके, तो उस वक्त ये मैच इनके हाथ से इंजी निकल चुका हुआ था, मतलब वो 11 ओवर ना हो चुके हुए थे। उसके बाद इन्होंने बड़ी कोशिश की कि हम मैच जीतने की तरफ जाएं, इन्होंने वो जो उनका दास था नितिन दास, उसने वो बड़ी अच्छी इनिंग उसने खेली, मगर प्रॉब्लम ये थी कि सामने से स्कोर नहीं हो रहा था, उसने सिंगल करके कोशिश करता रहा कि सिंगल करके मैं किसी तरह बोर्ड चलाता रहूं, पर बस वही है जो नॉट आउट भी रहे हैं, वो आखिरी ओवर तक लेके गया, वो उसका ख्याल था कि लास्ट ओवर में 9-10 रन होंगी तो मैं उसमें चांस लूँगा। अब बैड लक उनकी ये थी कि आखिरी ओवर में सेकंड लास्ट ओवर में दोनों आउट हो गए, वो तस्कीन ने भी गुड लक अफगानिस्तान की मैं कहूँगा, नवीन ने बॉल उसको आके बिल्कुल स्लो बॉल की जी, इंजी वो बॉल उठी नहीं, इतनी बॉल उठी है इसमें इंजी, मैं यार हैरान हूँ कि कोई बंदा राशिद की गुगली पिक नहीं कर सकता, उसने 4 में से 3 गुगली पे बोल्ड किए हैं, हर बंदा उसको बाहर खेलने जा रहा था, जो अगर किसी ने मारने की मिड विकेट कोशिश की है ना तो लेग स्पिन को मारने की कोशिश की। इंजी भाई, हम स्पिनर्स की हमेशा ही बात करते हैं, जैसे सलीम भाई भी कह रहे हैं कि राशिद ने बड़ा अच्छा किया है, लेकिन यहाँ पे नवीनुल हक ने भी 4 विकेट्स लिए हैं और जाहिर है वो भी एक अहम रोल उन्होंने प्ले किया है इस मैच में। बाकी अगर हम सारे अफगानी बॉलर्स की बात करें तो सब बड़ा अच्छा कर रहे हैं, अब इस टूर्नामेंट में हमने देखा कि उनके पेस अटैक इतना अच्छा कर रहा है, अगर नवीन विकेट नहीं लेता है तो फजल हक फारूकी ले लेता है, और इस दफ़ा तो देखें एक पेसर ने 4 विकेट लिए हैं और एक राशिद खान ने 4 विकेट्स लिए हैं। नहीं, ये एज ए बॉलिंग यूनिट अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं, शुरू में आप पहले राउंड में अगर देखें ना तो फारूकी टॉप ऑर्डर को आउट कर रहा था, अब नवीन आउट करना शुरू हो गया, राशिद थ्रू आउट अच्छी बॉलिंग कर रहा है, ठीक है नबी और नूर है ना, कोई विकेटों में बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन उन्होंने कंटेन बहुत अच्छा किया है, नूर की 3.25 की इकॉनमी है तो उन्होंने कंटेन बहुत ज़बरदस्त कर रखा है, तो ये सेमीफाइनल में पहुंचे, अगर आज बांग्लादेश के पास है ना सारों से इतने सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इससे आसान अपॉर्चुनिटी नहीं होनी चाहिए कि सारे मैच हारने के बाद सिर्फ 115 स्कोर करना था आपने और आप सेमीफाइनल खेलते वर्ल्ड कप का, तो जो उन्होंने मिस किया है तो ठीक है, उन्हें पहुंचना भी नहीं चाहिए था, वो सिर्फ इसलिए कि जी अगर आप कोई मैच नहीं जीतते तो आगे के भी मैच है ना मज़ेदार नहीं होने थे, क्योंकि जी आप आगे भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते थे, क्रेडिट है ना अफगानिस्तान को देना चाहिए, हालांकि आज अफगानिस्तान के भी हमने हाथ पांव फूले हुए देखे थे, ऐसी बात नहीं है कि जी अफगानिस्तान के हाथ पांव नहीं फूले, ये थोड़ी सी ना जो जिस तरह मैं खेल रहा था ना 92 का वर्ल्ड कप में जिस तरह मैंने इनिंग्स खेली जी। तो मेरे साथ जावेद भाई खेल रहे थे तो मेरे पे प्रेशर नहीं था, मैं नया था, सो प्रेशर हमेशा सीनियर पार्टनर पे होता है, तो जो छोटी टीम आती है ना ऐसे उस पर ऐसा सच प्रेशर नहीं होता कि उसके हाथ पांव फूल जाए, अब बड़ी टीम अगर खेल रही हो ना तो उस पर ज़रा प्रेशर होता है, सारों की तवक्कोआत उस पर होती है, जिस टाइम शुरू शुरू में ये बांग्लादेश आई थी ना
पाकिस्तान इनसे मैच खेलने जाता था तो अगर आप स्कोर कर लेते थे ना तो कोई नोटिस नहीं लेता था, क्योंकि यार बांग्लादेश के खिलाफ स्कोर कर लिए तो क्या हो गया जी, और अगर हार जाते तो बिल्कुल मर जाते तो हमेशा बड़ी टीम पे प्रेशर होता था कि हारने की गुंजाइश ही नहीं थी बांग्लादेश से, तो वो प्रेशर आप पे होता था। तो मैं आज है ना अफगानिस्तान को थोड़ा सा प्रेशर में देख के ना कि जी या तो इन्होंने प्रेशर ले लिया कि जी हमने सेमीफाइनल में पहुंचना है, और बिल्कुल हालांकि ऐसी टीम को ये थ्रू आउट जो इनकी है ना वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस देखी ना, जहाँ इनको अपॉर्चुनिटी मिली है ना तो ये पड़े हैं। आज भी सेकेंड हाफ में इन्होंने अपने आप को संभाला है बैटिंग के बाद, क्योंकि जी इनकी जो सी बॉलिंग है ना वो उन्होंने एग्रेशन शो की है जी। तो लेकिन ये क्योंकि शुरू में अगर वो तीन छक्के ना मारता ना राशिद जी, आखिर में ये बिल्कुल पैनिक कर गए, अगर वो तीन छक्के ना मारता तो इनका स्कोर भी 100 नहीं होना था। तो वो बहुत बड़ा जो है ना एक, अच्छा सलीम भाई एक और वीक लिंक है अफगानिस्तान की टीम में, वो है इनका मिडल ऑर्डर। हमने किसी मैच में नहीं देखा कि उन्होंने परफॉर्म किया, हम देख रहे हैं हमेशा उनके ओपनर्स परफॉर्म कर रहे हैं। एक उन्होंने रिकॉर्ड भी बना दिया, रिकॉर्ड हमारे ही उन्होंने ओपनर्स का तोड़ा है, रिजवान और बाबर का। 2021 में जो वर्ल्ड कप खेला गया था उसमें 411 रन बनाए थे बतौर पार्टनर रिजवान और बाबर ने, और ये रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान ने रिकॉर्ड तोड़ा है, 442 रन उन्होंने इस वर्ल्ड कप में अभी तक स्कोर किए हैं, विच इज़ ग्रेट। और आज की भी अगर हम दोनों की इनिंग्स देखें तो रहमानुल्लाह गुरबाज ने 43 रन स्कोर किए हैं और इब्राहिम ने 18 रन स्कोर किए हैं। देखें ये इसमें कोई शक नहीं कि इनका मिडिल ऑर्डर जो है ना वो चल नहीं रहा किसी भी मैच में, हमने किसी देखा मैच कि इतना खास नहीं किया। तो ये बाकी टीमें जो जितनी भी अच्छी टीमें हैं जैसे आगे साउथ अफ्रीका के खिलाफ होना है, तो ये उनकी पूरी कोशिश होगी कि वो जान मार के, अगर इनकी पहली विकटें अगर ओपनर्स ने स्कोर ना किया तो ये बड़ा स्कोर नहीं कर सकेंगे। आप देखो पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट दोनों ने स्कोर किया है तो उन्होंने अच्छा स्कोर किया है, अदरवाइज ये आपको स्ट्रगल करते ही नज़र आए हैं, 140 से नीचे ही नज़र आए हैं। तो ये इनको भी पता है अफगानिस्तान को कि उनके दो ओपनर्स पे, इसीलिए मेरे ख्याल अगले बड़े मैच में और प्रेशर होगा कि हमने स्कोर करना है। तो अगर ये ओपनर्स इनके ना चले तो ये इनके लिए मुश्किल होगी, क्योंकि इनका भी मिडल ऑर्डर उस तरह नहीं चल रहा, हालांकि मिडल ऑर्डर में अच्छे प्लेयर हैं इनके, मगर मिडल ऑर्डर इनका वीक है, वीक है, बहुत वीक लिंक है, काफ़ी वीक है। एक दफ़ा ना टेस्ट मैच में हम गए खेलने के लिए तो स्पिनिंग ट्रैक था, तो मुश्ताक और सखलैन है ना दोनों कुर्सी पे बैठे हैं तो थोड़े से परेशान लग रहे हो मुझे। अच्छा तो चलो नाम मेरे से निकल गया वरना यूज नहीं। मैंने कहा क्यों, मैंने कहा अंदर तो स्पिनिंग ट्रैक है, वो कह रहे सारा प्रेशर ही हमारे पे आ गया ना, सारी एक्सपेक्टेशंस फिर उस पे आ जाती हैं। तो वो फिर है ना ये एक प्रेशर भी आता है कि जिस टाइम आपको जिस टाइम पता चलना शुरू होता है ना कि अब आप पे है गेम, कि अब आपके ऊपर प्रेशर है कि आप ही स्कोर करोगे, तो ये एक प्रेशर लेना ना डिफरेंट चीज़ है। शाहिद आफरीदी से मैंने शाहिद से कहा कि मैंने कहा यार शाहिद तू हिट मार देता है निकल के, कि जी क्या है, तो उसने कहा कि मैंने कहा क्यों है कि हालांकि वो उसको ये नहीं है गेम की सेंस नहीं है, उसको पता है, कि कह रहा कि जिस टाइम मैं अंदर जाता हूँ ना तो लोग शोर मचाते हैं, जिस टाइम कह रहे मेरे से कंट्रोल ही नहीं होता, ये जिस टाइम शोर मचता है ना बहुत ज़्यादा, जिस टाइम ये कानों में आवाज़ पड़ती है, जिस टाइम जाओ और पता चलेगा कि जी वो 25,000 लोग खड़े होकर शोर करते हैं तो आप प्लानिंग प्लूनिंग भूल जाते हो, आपके निकल जाते। वो कह रहे कि मैं उस चक्कर में हिट मार देता था, हालांकि उसको ये नहीं है कि उसको गेम की सेंस नहीं है, गेम की सेंस है उसको, लेकिन ये एक और तरह की चीज़ है। तो जिस टाइम आपसे लोग तवक्को, शाही से लोग क्या तवक्को करते थे कि जाते जी हिट मारो, अब ये अब है ना इनके ऊपर जिस टाइम लोग तवक्को करेंगे ना कि अफगानिस्तान जीतेगी, अभी तक लोग तवक्को नहीं कर रहे थे, प्रेशर अब पड़ना शुरू होगा जिस टाइम लोग तवक्को करेंगे ना कि आप जीतोगे, सो फिर ये डिफरेंट प्रेशर है तो जो उनको बेयर करना पड़ेगा, देखो हम उसको किस तरह हैंडल करते हैं। फाइनल्स का प्रेशर होगा जी, इंद्री ये जो आप बात कर रहे हो क्या हम दोनों बैट्समैन थे, ये प्रेशर जरूर सिर्फ उतनी देर ही होता था जितनी देर आप वॉक करके जाते थे, फिर आप मैच पे कंसंट्रेट करते थे, आप बाहर की आवाज़ें, कभी हुआ ऐसा बहुत सारे दफ़ा आवाज़ें लगें, मगर ये कुछ प्लेयर होते हैं जो जज्बाती होते हैं, मेरे ख्याल लाला उनमें साथ है कि लाला खुद भी चाहता था कि मैं छक्के मारूँ, टू बी ऑनेस्ट, वरना अदरवाइज तो आप मैच पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हो ना कि यार अगर 7 आउट है तो मैंने सिंगल करनी है, 9 रन चाहिए, तो आप कभी भी ऊंची हिट नहीं मारते। वो स्लिम भाई रेपुटेशन बन जाती ना, अब जिस तरह मेरे साथ मैं रन आउट हो जाऊँ या मेरे साथ कोई और रन आउट हो जाए तो कसूर तो इंजमाम का ही है ना
बेशक वो रेपुटेशन है, वो रेपुटेशन अब बन गई है ना कि जी वो इंजमाम के साथ रन, हालांकि लोगों ने मेरे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, लेकिन मेरे साथ कोई भी रन आउट होता था ना लोग कहते हो यार मरवा दिया इसने, हालांकि बेशक गलती उसकी हो। एक बड़ा मजे का वसीम भाई वाला किस्सा है, मैं चाहूंगी वो आप भी दोहरा दें। वो एक जगह मैंने सुना है सौरभ गंगुली वो किस्सा सुना रहे थे आपका, वसीम भाई रन आउट हो गए, रन आउट वाला मेरी और उसी ऑस्ट्रेलिया से हम वर्ल्ड कप का मैच खेल रहे थे, तो वहाँ डिसाइड हुआ कि जी हमने ना रन लेना है, उसने मुझे यॉर्कर मारा, मेरी टो पे हो गया तो मैं नीचे गिर गया, ठीक है। सो अब वो जो सवाल करने वाले हैं वो अल्लाह के बंदे, उनसे किसी ने ये नहीं पूछा, वसीम भाई से कहोगे वसीम भाई आपको भी अकल नहीं थी, एक आदमी नीचे गिरा पड़ा आप भागे आ रहे हो, आपने आंखों पे पट्टी बांध रखी थी, आप किस तरह भागे आ रहे हो भाई, अगर डिसाइड हुआ था कोई एक आदमी को अगर बॉल लग गई है वो नीचे गिर गया है, आप आंखें बंद करके भागे आ रहे हो, तो वसीम भाई से किसी ने वापसी ये पूछा ही नहीं। फास्ट बॉलर की थोड़ी सी होती है ना, वो फास्ट बॉलर थे ना आप, वो हालांकि वो नहीं थे, मैं अब कहूंगा दूसरा तो वो सीरियस। अच्छा वसीम भाई का जो वर्जन है इस स्टोरी का वो ये है कि जब वसीम भाई आपके पास पहुंचे तो आपने उनको देख के कहा कि वसीम भाई आप यहाँ कहाँ, सो आप चाय पिए। वैसे वसीम भाई ने वसीम भाई ने यानी चीज कही थी, तो मेरे सीनियर हैं तो मैं आज तक मैंने वैसे कभी उनको इस चीज पे कहा नहीं, वो बड़े खुश होकर याली चीज सुनाते हैं, तो मैं भी काफी सारी वैसे चीजें सुना सकता हूँ, लेकिन मैं छोड़ देता हूँ। कोई बात नहीं, फन है। नहीं नहीं फन नहीं है, क्योंकि जी आप ये कहोगे जी मैंने वो वाली बातें मैंने की कि जो नहीं कर सके। अच्छा। आप ना दूसरे की इंसल्ट कर रहे हो बेसिकली, ठीक है। तो मैंने कहा कि जी अगर आज ये वाली बात हो गई तो मैं उन्हें करूँगा कि जरा थोड़ा सा ख्याल किया करे, ये नहीं कहा कि दूसरा आदमी भी कोई ऐसी चीज कह दे जो फिर बुरी लग जाए, तो वो अच्छा नहीं लगता। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा, ऑस्ट्रेलिया वन ऑफ द फेवरेट्स इन द टूर्नामेंट, जिसको कहा जा रहा था कि फाइनल तो खेलेगी ही ये टीम, जिस तरह से ये T20 खेलते हैं, स्पेशली ओडीआई लास्ट ईयर जो खेला गया था वर्ल्ड कप उसके चैंपियंस भी थे, तो कोई सोच नहीं सकता था कि अफगानिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया को बाहर करने में कामयाब हो जाएगी। इंडिया से तो वो हारे ही, लेकिन जो पहला डेंट अफगानिस्तान की वजह से पड़ा था वो शायद ज़्यादा साबित हुआ है, दर्दनाक शायद कहना चाहूँगी मैं। और पैट कमिंस कि वो स्टेटमेंट जो है ना वो हर जगह सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, उन्होंने कहा था जब उनसे पूछा गया था वर्ल्ड कप से पहले कि कौन से चार टीम्स आपको लगती हैं जो सेमीफाइनलिस्ट होंगी, तो उन्होंने कहा था एक तो ऑस्ट्रेलिया है, बाकी तीन आप जो मर्जी रख रहे हैं। तो एंकर ने कहा कि नहीं आपको क्या लगता है कि कौन सी और तीन हो सकती हैं, तो उन्होंने कहा था आई डोंट केयर। देखिए वो इसमें तो कोई शक नहीं कि ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम है, बड़ी टीम थी। अब कई दफ़ा ना आप अल्लाह को भूल जाते हैं, ये हमारा बिलीव है कि आप बहुत बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि ऑस्ट्रेलिया चार में होना चाहिए था उसको, मगर चूंकि जब आप एक अफगानिस्तान से जब हारे थे ना, तो उसके बाद इंडिया ने फिर उनको वो हाल किया था जो शायद किसी भी ऐसे लग रहा था कि एक छोटी टीम के खिलाफ। और अफगानिस्तान से भी जो हारे हैं हमने देखा था गलतियां कितनी हुई थी फील्ड में, जब आप उन्होंने 9 चांसेस उस दिन मिस किए थे आउट करने के, जिसमें कुछ 3-4 कैचेस थे। देखें कई दफ़ा ना आपकी बैड लक भी होती है, एक आपका दिन नहीं होता। मेरा ख्याल है अफगानिस्तान के खिलाफ शायद ये आप कह सकते हैं कि उनका शायद दिन नहीं था, मगर इंडिया के खिलाफ तो उन्होंने बड़ा अच्छा चेज भी किया। मगर रोहित ने जो इनिंग खेल दी उसके बाद उसने तो सारा कुछ ही, उनका प्लान ही सारा ख़राब कर दिया। तो मेरे ख्याल में बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, ये आपको ले जाते हैं। हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि यार ये क्रिकेट है, और मैंने क्रिकेट में बहुत लोगों को देखा है कि वो बड़ी बड़ी टीमों को हारते देखा। आप इंग्लैंड को देखें पिछले वर्ल्ड कप में, कितनी बड़ी टीम थी, खैर उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की। अच्छा, थी कोई एक मगर बैड लक आपकी का, वैसे इंग्लैंड के किसी एक प्लेयर का कोई एक बयान नहीं है। नहीं नहीं मैं उस पर नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि जब आपकी बैड लक होती है ना, मोहतात रह रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ, जब आपकी बैड लक होती है ना तो बड़ी बड़ी टीमें भी उस टूर्नामेंट में आपको ऐसी लगती है कि यार ये इस टीम को तो क्या इसका हाल हो गया। बांग्लादेश या जो जो अभी यूएसए को ले लें, उनसे नीचे आपको नजर आती हैं। आप सोच सकते हैं कि यूएसए क्वालिफाई कर जाएगी, नहीं सोच सकते। तो ये क्रिकेट बड़ी अजीब गेम है, फनी गेम है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि इसमें कुछ भी हो सकता है। जी भाई, ऑस्ट्रेलिया वन ऑफ द फेवरेट्स, और हमने देखा जो इससे पहले 2022 वाला T20 वर्ल्ड कप था उसमें भी अगले राउंड में नहीं जा सके थे, इसमें अगले राउंड में गए लेकिन सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। क्या आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने गलत किया? ठीक है उनका दिन गलत था, क्रिकेट ऐसी गेम है ऑन द गिवन डे जो अच्छा खेलेगा, लेकिन टीम से एज अ होल भी तो कुछ गलतियाँ होती हैं। गलतियां तो हुई हैं उनसे, इसमें तो कोई नहीं है। और पहली चीज़ ये कि
ये बैड लक नहीं है, जिस तरह हम इंग्लैंड की बात कर रहे थे ना पहले राउंड से बार हो रही थी क्योंकि जी बैड लक हो रही है, बारिश हो रही थी, ये हो रही थी। अब जिस तरह अगर पाकिस्तान पहले राउंड से बार हुआ हम कहेंगे जी बैड लक हुई, बैड लक नहीं हुई, बुरी क्रिकेट खेल लिया आप, ठीक है ना, हारे तो बाहर हुए हो ना जी, जी, जी। तो ये ऑस्ट्रेलिया जो बाहर हुआ है ये अफगानिस्तान से भी हारा है, इंडिया से भी हारा है, हार के बाहर हुआ है, बैड लक नहीं, आपने बुरी क्रिकेट खेल ली है, ठीक है। तो लोग एक तो अपने जहन से ये करेंगे कि जी ये जहन से निकाल लेंगे कि जी बैड लक हुई है इनके साथ, कि जी ऑस्ट्रेलिया फेवरेट टीम थी, आप एक मैच में आप 200 करते हैं और अगर अगले मैच में आके आप अपनी अगली इनिंग्स में आके सही नहीं करेंगे तो जीरो पे भी आउट हो सकते हैं। तो हर मैच है ना वो नया है, ठीक है ना, हर टूर्नामेंट नया है। सिंह जी भाई ये कह सकते हैं कि शायद उन्होंने उतना कंपेटिटिव नहीं समझा था अफगानिस्तान को। नहीं ये फिर आपकी गलती हुई ना कि आप मिसरीड कर गए, अब बासम आप पिच मिसरीड कर देते हैं, बासम आप बॉलर को मिसरीड कर देते हैं, बासम आप टीम को करते हैं। तो आपने अगर उनको मिसरीड किया, मेरे ख्याल में करना नहीं चाहिए था, क्योंकि जो वर्ल्ड कप में भी ये इनसे मैच जीत गए थे लेकिन वो उसने एक एक्स्ट्रॉर्डनरी मेरे ख्याल में तो हिस्ट्री में वैसी इनिंग्स नहीं खेली गई होगी, उस पोजीशन में से किसी ने 200 कर दिया आके एक टांग के साथ, क्योंकि जी लंगड़ाया जा रहा था, वो भी छक्का मारता था नीचे गिर जाता था फिर खड़ा होकर छक्का मार के फिर नीचे गिर जाता था। रिजवान को देखा हुआ था, रिजवान से सीखा ये उसने। नहीं वो वाकई तकलीफ में लगा, मेरे ख्याल में वो हमारे अलग ज्यादा बेटर है थोड़ा सा। सो तो वो एक है ना देना दूसरी चीज है। तो ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम है, अच्छा खेलती है, लेकिन आपने यहाँ अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ठीक है ना। तो आपने जो हम सारी सेलिब्रेशन की बात करें, अफगानिस्तान की सेलिब्रेशन की सारों की, हम इंग्लैंड की सेलिब्रेशन की नहीं बात करें, इंडिया भी कर रहा है क्योंकि जी ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुँचा, इंग्लैंड भी कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया नहीं पहुँचा, ये भी सेलिब्रेशन है उनकी। ये जिस तरह उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे ना शुरू में कि जी ये हार जाएंगे और ये रन रेट और ये, आप अपने पे फोकस करें ना, आप दूसरों पे फोकस क्यों कर रहे हैं। और जिस तरह पैट्स कमिंग ने स्टेटमेंट दी थी, आप देना उनका माइंड जरा लगाओ कि जी किधर था उनका, उनको लग रहा था कि हम तो थ्रू हैं, लेकिन तो उसका 50% का ना जो 50% स्टेटमेंट थी वो सही थी, सिर्फ यही गलत हुआ ना वो सेमीफाइनल में नहीं पहुंचे, बाकी उसने कहा था हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सेमीफाइनल में पहुंचता है, तो वाकई उनको फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन पहुंच रहा है, ये वाली स्टेटमेंट उसकी सही थी। ये वाला पार्ट उसका सही था, पहले वाला पार्ट उसका गलत हो गया। सो जिस टाइम आप है ना, ये सबक है उनके लिए भी और हम सारों के लिए भी, कि जिस टाइम आप बड़ा बोल बोलते हैं या ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं ना, सो फिर ये है कि जी आप ऐसी जगह से पकड़े जाते हैं कि जिस तरह आप इंग्लैंड को बाहर करने की प्लानिंग कर रहे थे, आप सोच रहे थे कि मैनिपुलेट करेंगे जी, हम ना रन रेट स्लो करेंगे, हाँ, तेज करेंगे, ठीक है, आज उसी रन रेट पे ये बैठे थे। नहीं इंडी बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम तो एक बैलेंस टीम थी ना, उसने ये बयान दिया कि चौथी टीम बाकी तीन कौन सी होंगी। आप मुझे बताओ हमारे लड़कों ने बयान दिए थे इस पे, कि हमें इस समझ नहीं आ रही कि हम ये वर्ल्ड कप कैसे सेमीफाइनल में पहुंचने के तो दिए ही नहीं, जीतने के दिए थे वो तो दूर रह गई बात। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। ब्रेक पे जाने से पहले हम पैट कमिंस के कुछ बयान और दीगर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के कुछ बयान जो वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने दिए थे उस पर बात कर रहे थे। मैं चाहूंगी हमारे भी प्लेयर्स ने कुछ बयान दिए थे, मैं चाहूंगी कि हम दोनों जो लेजेंड्स यहाँ पे मौजूद हैं उनसे उनकी राय जरूर तलब की जाए। मोहम्मद आमिर जो कि बहुत अरसे के बाद वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी कर रहे थे, उनका वर्ल्ड कप पे जाने से पहले एक बयान आया था, उन्होंने पूछा था कि कोई ऐसी वजह जो आप लोगों को पता हो, मुझे तो नज़र नहीं आती जिसकी वजह से हम वर्ल्ड कप जीत के वापस ना आए, तो कोई ऐसी वजह। अच्छा हमें ना उसका उसने पूछा था हमारे से कि जी कोई ऐसी वजह जिसकी वजह से हम हार जाएं, तो हमने बताई नहीं किसी ने कोई, तो वो उसने इस तो चीज़ पे था, इस चीज़ पे था। लेकिन ये कि जी कोई भी जिस टाइम टीम जाती है इसको हम बड़े बोल में नहीं काउंट कर सकते, ये थोड़ा सा ज़रा हो गया कि ये ज़रूर कहना चाहिए था कि जी हम जीतने के लिए जा रहे हैं, कोशिश करेंगे, अपना पूरा जोर लगाएंगे। लेकिन अगर कोई ये किसी भी इवेंट में जाते हुए कोई बंदा ये कहे कि जी हम, मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा कि जी हम किस तरह हम हारेंगे, कोई वजह नहीं है, वो बयान नहीं बनता, तो वो जरा थोड़ी सा हार्ड वर्ड है ये, क्योंकि बहुत सारी वजूहात नजर आई फिर हमें जिसकी वजह से नहीं हारे जीते, तो सिर्फ वजूहात ही नजर आई, बाकी और कुछ नहीं नजर आया, बहुत सारी बन गई इसमें। जी देखो हर कैप्टन जो होता है ना उसकी कोशिश होती है कि वो अपनी टीम को ना
उसका मोराल हाई करने के लिए वो ऐसे बयान देता है, पर प्लेयर्स का बयान देना, मेरे ख्याल उनको एक चीज़ रियलाइज़ करनी चाहिए थी, एक दफ़ा अपनी टीम को ज़रूर देख लेना चाहिए था कि क्या हमारी टीम का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि हम बताया तो है, देखिए हमने ही नहीं बताई वजह, अगर हम बताते कि नहीं, हमने तो नहीं बहुत बताई, हम तो थक गए बता बता के कि कॉम्बिनेशन नहीं है, हमारी टीम का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तो मेरे ख्याल इनको जाने से पहले खुद को भी एक दफ़ा देखना चाहिए था कि क्या हमारी टीम का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि हम जो बयान दे रहे हैं वो देने चाहिए कि नहीं। ठीक है, शाहीन शाह अफरीदी ने भी कहा था कि बहुत वादे कर लिए हैं, अब हमने अब जो है ना उनको डिलीवर करने का टाइम है, अब हम खाली हाथ नहीं आएंगे, अब हम जीत के आएंगे। देखिए मेरा ख्याल वो शायद थोड़ा अभी छोटा है उसको इस चीज़ की, चूँकि जज्बाती है ना, वो फास्ट बॉलर थोड़े जज्बाती होते हैं, तो वो मेरा ख्याल जज्बात में बह गया था। तो वही बात के बयान ज़रूर देते हैं, सब देते हैं, सब टीमें देती हैं, और ऑस्ट्रेलिया ने भी बहुत सारे बयान दिए हैं और बहुत सारे लोगों ने बयान दिए हैं, मगर एक दफ़ा ज़रूर जाने से पहले ना अपना कॉम्बिनेशन जब भी जाए ना अपनी टीम का ज़रूर देखें क्या हम अपना इस टीम के साथ वहाँ तक जा सकते हैं। सेमीफाइनल फाइनल की दूर की बात है, हम तो आगे अगले राउंड में नहीं जा सके, और मुझे उसकी याद रीज़न हमारी कॉम्बिनेशन ही कोई नहीं था। जब हम लोगों ने प्रोग्राम शुरू किया था मुझे याद है आप फिर इस कॉम्बिनेशन के साथ भी आप कॉन्फिडेंट थे कि यूएसए जैसी टीम से हम नहीं हार सकते। देखें यूएसए की तो एक ऐसी टीम थी ना उसके खिलाफ तो मेरे ख्याल आपकी लोकल कोई बैंक की टीम ना कोई भी नहीं सोच सकता था जी। देखें ना, मगर जब आपका आप बैंक की टीम का भी कोई कॉम्बिनेशन होगा ना, जी जी जी, आप प्रॉपर टीम के साथ जाएंगे, कोई मिडिल ऑर्डर होएगा, कोई ऑलराउंडर खिलाएंगे, जब आपके पास होगा नहीं तो अच्छा, अली खान ने भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान दिया है मैच जीतने के बाद जब सुपर एट के लिए, तो उनका कहना था कि हमने देखा कि हम अपने ग्रुप में किस किस टीम को हरा सकते हैं, तो हमने देखा कि अच्छा कनाडा को हमने हरा दिया है, आयरलैंड को हम पकड़ सकते हैं, इंडिया और पाकिस्तान में से जो है ना हमें लगा कि अच्छा पाकिस्तान को हम ज़रा काबू कर सकते हैं, तो ये उनको भी लगा, यूएसए को लगा कि यूएसए की टीम को लगा कि हम कर सकते हैं ये। क्यों असल में जिससे रिजल्ट आ जाए ना फिर तो उसके बाद आप कुछ भी कह दो कि जी हमने तो पहले से ही प्लान किया हुआ था, तो ये वाले लोग हैं माजरत के साथ, जिस टाइम कोई पाकिस्तान के लिए कोई इस तरह की स्टेटमेंट देता है ना तो फिर ज़रा थोड़ी सी तकलीफ होती है। सो ये यहाँ से सारे रिजेक्टेड प्लेयर हैं, हाँ, जो तो ये उनका जो है ना अपना गुस्सा है कि जी वो पर्सनल है, और मैं बहुत दफ़ा ये इस चीज़ को बैठ के कहता हूँ कि क्रिटिसिज्म करना बुरी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन ये कि जी पर्सनल होना बुरी बात है, और ऐसा क्रिटिसिज्म जो मेरा मतलब है जायज़ ना हो ये करना गलत चीज़ है। आप पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करें जिससे इम्प्रूवमेंट आए। तो दूसरे हमारे काफ़ी सारे जो उनसे प्लेयर हैं ना वो अपना गुस्सा निकाल रहे होते हैं टीवी पे बैठ के, क्योंकि जी पर्सनल ग्रजेज है ना जो उनसे वो निकाल रहे होते हैं, ये गलत है। तो ये वाली चीज़ कह रहे हैं कि जी हम इसको, आप जीत गए, हम आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि जी आप जीत गए। अगर आप ये चीज़ क्या हो बैठ के क्योंकि जी आपने ये सोचा था कि जी हम कमज़ोर टीम है, हम ये कर लेंगे तो हम ये कर लेंगे, तो ये माजरत के साथ कि आप जीत गए तो आप जीत जरूर गए हो। हाँ। अगर कल आपको क्वालिफाई राउंड खेलना पड़ेगा ना, अगर आप सुपर एट में नहीं खेलना आपको नहीं पड़े, अगर आपको ये क्वालिफाई राउंड खेलना पड़े ना वहाँ से भी आपके लिए ना वापसी आना ना मुश्किल है। ठीक है, इस तरह की स्टेटमेंट्स लोग जरा देते हुए ना जरा थोड़ा सा सोचना चाहिए लोगों को। ठीक है जी, आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद उनके ओपनिंग बल्लेबाज डेविड वार्नर ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। डेविड वार्नर का करियर 15 साल पर मुहित था। उन्होंने 110 T20 मैचेस में, 161 वनडे मैचेस में और 112 टेस्ट मैचेस में अपनी टीम की नुमाइंदगी की है। उन्होंने लास्ट ODI इंडिया के खिलाफ खेला था 2023 का वर्ल्ड कप, जो कि उसकी टीम ने जीता था। लास्ट टेस्ट उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेला था जनवरी में, और लास्ट T20 उन्होंने कल खेला इंडिया के खिलाफ, जिसमें वो सिर्फ 6 रन ही स्कोर पर कर पाए। बट सलीम भाई, व्हाट अ करियर! इसमें कोई शक नहीं जी। देखें किसी भी प्लेयर की ये ख्वाहिश होती है कि वो 100 टेस्ट मैच खेले, 300 वनडे, 300 T20, इससे बड़ी और खुशकिस्मती किसी प्लेयर की क्या हो सकती है। तो मेरे ख्याल है उसने अपना जो कैरियर था भरपूर एंजॉय किया, उसने जितनी भी इनिंग्स खेली उसके उसने बहुत ग्रेट इनिंग्स भी खेली हैं,
तो मेरे ख्याल इससे अच्छा कैरियर शायद ही किसी प्लेयर का हो, और मैं कहता हूँ कि हमने उसको बहुत इन्जॉय किया है और उसकी बहुत बहुत अच्छी इनिंग्स देखी। तो मेरे ख्याल जब आप ऐसे इवेंट में हारते हैं ना तो फिर थोड़ी तकलीफ तो होती है, पर मेरे ख्याल उसने जो भी रिटायरमेंट की है दी है, मेरे ख्याल उसने बहुत इन्जॉय की क्रिकेट, और हम सब उसको मुबारकबाद देते हैं जी कि उसने हमें बहुत अच्छी अच्छी इनिंग्स देखने को मिली, बहुत यादगार इनिंग्स और बहुत अच्छी क्रिकेट हमने देखी टीम ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। जाहिर है डेविड वार्नर इज पार्ट ऑफ द टीम, क्या कहना चाहेंगे आप उनके इस 15 साल पर मुहित जो करियर है इंजी भाई? नहीं, ग्रेट प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, मैं उसके रिकॉर्ड के अलावा एक चीज़, उसकी तहकीक तस्दीक किसने की क्योंकि जिसने रिटायरमेंट दे दी है? बोर्ड ने कर दी है, बोर्ड ने की है कि यानी कि उसने अपनी रिटायरमेंट बोर्ड से, कोई ये नहीं है कि जी वर्ल्ड कप हारने के ऊपर उसने दी है, ये पहले से डिसाइडेड थी, डिसाइड हो गया। और उनके बोर्ड ने, ये नहीं है कि जी आप कोई बोर्ड निकाल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ये डिसाइडेड है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है, मैं याली चीज़ें ना पाकिस्तान में होता हुआ देखना चाहता हूँ, क्योंकि जी मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में भी इस तरह प्लेयर और बोर्ड एक पेज पर हों, क्योंकि जी प्लेयर भी ये रियलाइज़ करे, ये नहीं कि बोर्ड सिर्फ रियलाइज़ करे, प्लेयर भी ये रियलाइज करे कि जी नहीं ठीक है, इज अबाउट टाइम, रिस्पेक्टफुल सेंड ऑफ होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ है ना प्लेयर्स को जाना चाहिए, तो ये बड़ा अच्छा है। तो मुझे ये वाली चीज़ बड़ी अच्छी लगी। रिकॉर्ड तो हम उसे क्या ग्रेट प्लेयर कहें, उसका रिकॉर्ड बताता है क्योंकि जी जितना ज़बरदस्त उसका रिकॉर्ड है, ठीक है जी, और बड़ी ऑस्ट्रेलिया से हमेशा एज ए मेन प्लेयर के तौर पर वो खेल रहा है, क्योंकि जी मैच विनर के तौर पर उसको देखा जाता था। तो और ये नहीं कि एक फॉर्मेट में, तीनों फॉर्मेट में, क्योंकि जी उसको बड़ा हाईली वो रेट किया जाता था। सो गुड लक है जी उसकी रेस्ट ऑफ लाइफ के लिए। लीग बची हैं अभी भी, हम उनको देखेंगे तो खेलता हुआ लीग में, स्पेशली आईपीएल में। एनजी ने ये जो बात की है ना ये बड़ी, कि ये हमें भी ऐसा करना चाहिए, मगर एनजी मैं आपने इसी प्रोग्राम में बताया था कि कुछ हमारे एशिया की ना प्रॉब्लम है कि हम रिटायरमेंट याद जाते नहीं। आप देखो इंडिया में, आपने उसका तेंदुलकर का बताया और बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं, हमारे यहाँ बहुत सारा ऐसा है कि हमने कभी किसी को स्पेस दी नहीं कि यार वो रिटायरमेंट अनाउंस करे। और फिर कुछ हमारी एक आदत है हम लोगों की कि हम छोड़ना भी नहीं चाहते। तो मेरे ख्याल है हमें भी इस कल्चर को अपनाना चाहिए कि यार एक टाइम पे आपको पता चल जाता है कि आपकी क्रिकेट ख़त्म हो गई है, तो ये रियलाइज़ करना चाहिए। हाँ, ये सोच आनी चाहिए कि यार अब मैंने बहुत क्रिकेट खेली है, मुझे रिटायर होना चाहिए। हमारे यहाँ तो वापस आ जाते हैं अक्सर लोग। मैं यहाँ पे जरूर शुएब मलिक का जिक्र करना चाहूँगी, 1998 में उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू की थी इंजी भाई, और अभी भी वो कह रहे हैं कि वो दस्तयाब हैं। उनका फैसला है, उनको जब तक लगता है कि उनको खेलना चाहिए उनको खेलना चाहिए। बट आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी रुकावटें हैं हमारे सिस्टम में कि प्लेयर्स अनाउंस नहीं करते रिटायरमेंट और वो वापस आना चाहते हैं बार बार? बहुत ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस नहीं की हुई। अच्छा, मैं आपको वैसे एक चीज़ बताऊँ, इसमें जो सारों से बड़ी रुकावट है जी, वो हमारे पास है ना रिटायरमेंट प्लान नहीं होते। ठीक है, अगर आप अभी ये देखो कि जो जो प्लेयर रिटायर हुए हैं वो सारे आपको कमेंट्री बॉक्स में या किसी के साथ है ना अटैच नज़र आते हैं। हमारे यहाँ मुल्क में ये पीसीबी को चाहिए क्योंकि जी जो हमारे प्लेयर्स हो ना उनके रिटायरमेंट के ना प्लान्स होने चाहिए, क्योंकि जी हम इनको कहाँ करेंगे, जिस तरह स्लीम भाई हैं जी। अब हम डेविड वार्नर की बात कर रहे हैं कि जी उसने जी 100 टेस्ट मैच खेले हैं, 300 वनडे खेले हैं, या 161 वनडे हैं। तो स्लीम भाई के 300 वनडे हैं, 100 टेस्ट मैच हैं, ये अला कारनामा इन्होंने भी अंजाम दे रखा है, ज़्यादा दे रखा है, वनडे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और मेरे ख्याल में स्लीम भाई का नाम भी इससे ज़्यादा है, लेकिन मेरे मतलब उनके कोई रिटायरमेंट प्लान नहीं है। ठीक है, और मैं माजरत के साथ ये कह रहा हूँ कि जो इनकी वो सैलरी आती है ना बोर्ड की तरफ से, वो 1,68,000 या 69,000 रुपये आती है। तो ये हमारे रिटायरमेंट प्लान है। तो इस प्लान की वजह से जो प्लेयर्स की तरफ से रुकावट है ना, मैं प्लेयर्स की तरफ से बता सकता हूँ क्योंकि मैं प्लेयर हूँ। तो आपके पास कोई रिटायरमेंट प्लान ही नहीं है, आपको पता कि यार मैं यहाँ से जाऊँगा तो बिल्कुल, अब मैं जो क्रिकेट खेल लूँ मैं कारोबार नहीं कर सकता, मैंने सारी ज़िंदगी तो किए ही नहीं। जो मेरे गोल्डन पीरियड था, जो मेरा गोल्डन डेज थे, कि मैंने 14 साल की उम्र से क्रिकेट खेलनी शुरू की और 40 साल तक मैं क्रिकेट खेलता रहा, जहाँ मैंने बनना था कुछ भी वहाँ तो मैं क्रिकेटर बना। तो उसके बाद आप मेरे से कह रहे हो कारोबार, अब मेरे पास बोर्ड वालों के पास मेरे लिए कोई प्लान ही नहीं है। तो मैं तो ये कोशिश करता हूँ कि मैं
जहाँ मुझे दो महीने भी और खेलने को मिल जाए तो मैं मिल लूँ। अगर आपके पास प्लान हो कोई तो आप है ना जरूर इस चीज़ को फैसला करना। बहुत शुक्रिया अंजी भाई आपका, सलीम भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी रात 11:03 पर। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।